बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दुआ करते हैं आप सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। आप देख रहे हैं चैनल चटपटे खाने और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक जैपनीज़ रेसिपी, और वो रेसिपी है जैपनीज़ वेजिटेबल क्रोकरेट्स। आइए देखते हैं टेस्टी से जैपनीज़ वेजिटेबल क्रोकरेट्स कैसे बनते हैं। एक सॉस पैन को मीडियम फ्लेम पे रख के उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 अदद बड़ी साइज की बारीक कटी हुई गाजर डाल लेंगे। गाजरों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गाजरों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें 250 ग्राम बॉयल चिकन डाल लेंगे। चिकन को मिक्स करने के साथ साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चिकन को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का डाल देंगे। काली मिर्च डालने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम हल्दी डाल देंगे। 2 टीस्पून हम सोया सॉस के डाल देंगे। दो टीस्पून हम चिली सॉस के डाल देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 अदद छोटी बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी को भी अच्छी तरह मिक्स करके साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च डाल लेंगे। सब्ज मिर्चें डालने के बाद 250 ग्राम बॉयल मटर को मैश करके डाल लेंगे। मैश किए हुए मटर को भी मिक्स कर लेंगे और साथ साथ फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हमारी वेजिटेबल तैयार है। इसको हम साइड पर रख लेंगे। 1/2 किलो आलू हम बॉईल करके मैश कर लेंगे। अब हम मैश किए हुए आलू में जो वेजिटेबल हमने बनाया था वो डाल देंगे। वेजिटेबल डालने के बाद हम इसको मैश किए हुए आलू में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदे का डाल देंगे। मैदा डालने के बाद हम इसमें बारीक कटे हुए सब्ज धनिया डाल देंगे। अब हम मैदा और सब्ज धनिया आलू में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैदा और सब्ज धनिया को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम रोल की शेप दे देंगे।
इस रोल को फेंटे हुए अंडे में डाल देंगे और इस पर अंडा लगा देंगे अच्छी तरह से। अंडा लगाने के बाद इस पर हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको हम ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। हम फ्राई करने के साथ साथ इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। ब्राउन होने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे टेस्टी से जैपनीज वेजिटेबल क्रॉकेट्स तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।